उत्तराखंड के जायके के सफर को आगे बढ़ाते हुए हम आ चुके हैं द्वारा गांव के जुनियाली रिजॉर्ट में। यहां मिलेंगे हम योजना जी से, जो कि एक होम शेफ है। उनसे जानेंगे उत्तराखंड के मांसाहारी खाने के बारे में और उसका जायका भी आप तक पहुंचाएंगे। आइए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार अनुभव जी। नमस्कार। ये मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भुला पारितोष। चलो। मैं तो यहाँ पे चाय जो स्टील के ग्लास में सर्व करते हैं बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और कितनी कप चाय पी जाते हैं पूरे दिन में? पहाड़ों और ठंड का या तो चाय से बहुत रिलेशन है। मतलब चाय के बगैर तो आई थिंक हर घंटे एक कप दो। देने का मतलब ये है कि इसमें थोड़ा गर्म रहती है चाय और हाथ भी गर्म होते रहते हैं उसकी वजह से, क्योंकि ठंड की वजह से। और साथ में हमारे पास आलू के गुटके हैं। हाँ जी, आलू के गुटके और कुछ यहीं के कुछ मीठा रोट है ये। तो ये आटा गुड़ और ये आटा गुड़ और इसमें मतलब चाहे तो जैसे मुझको इसमें नारियल और तिल डालना पसंद है और थोड़ा सौंफ तो ज़रूरी है इसमें डालनी, तो उसका आटा गूंद के और ये सांचे हैं इसके, इस पे आटा रख के और इसके दूसरे ब्लॉक से प्रेस करते हैं तो इस पे ये आप दिख रहे हैं, ये इस तरह से पूरा डिज़ाइन आ जाता है। एक बिहार में डिश है ठेकुआ। ठेकुआ बस ये ऑलमोस्ट वही है। ये यहाँ पे एक्चुअली रोट का ट्रेडिशन इसलिए था क्योंकि जब लड़की की शादी होती थी उसको कुछ मिठाई देनी होती थी तो रास्ता लंबा होता था तो उसमें मिठाई ख़राब हो सकती थी, पर रोट है, आरसे है, ये डीप फ्राइड मीठा होता है तो ये एक तरह से कलेव कहते हैं। एक रीज़न और था। हाँ, दूध के हमारे यहाँ कमी थी पहले। हाँ हाँ, तो मावा मावा की कमी थी, मिठाई की दुकानें भी नहीं थी। हाँ, मावा नहीं मिलता था, ये सब चीज़ें नहीं मिलती थी, तो ट्रेडिशनली ये रोट और आरसा ये दो यहाँ डेवलप हुए। और एक गुलगुले, हम कश्मीर से आ रहे थे, हम कश्मीर से आ रहे थे तो हमने एक जगह बन रही थी, बर्फ पड़ गई थी बहुत सारी, आप लीजिए ना सर मान लूंगी, बर्फ पड़ गई थी बहुत ज्यादा पड़ रही थी तो वहाँ हम लोग रुक गए, तो जवाहर टनल से पहले की बात, जवाहर टनल के पहले की पहले तो वहाँ रुक गए, तो हमने देखा वो बना रहा था ये, तो लेकिन वो इस साइज में नहीं था, उसका बड़ा था, बट सो टेस्टी कि हम लोग 5-6 खा गए। नहीं, पर यहाँ पे भी गढ़वाल में जैसे कोई पूजा होती है कुछ होता है वहाँ पे जो रोट बनाते हैं तो ये रोट तो ऐसे होते हैं कि हमारे नाश्ते के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो पूजा वगैरह में क्या है इतने बड़े बड़े रोट बनते हैं और वो भगवान को चढ़ा के उसको काटा जाता है उन रोट्स को और उसको बांटा जाता है, बांटा जाता है फिर उसको खा सभी में, सब में बांटते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं। उसको तलते किस में? ये मस्टर्ड ऑयल में तलते हैं। ये अलग है। हाँ, मतलब मीठा मस्टर्ड ऑयल में मैंने कम ही सुना है कि कोई चीज़ मीठी मस्टर्ड ऑयल में तली जाती है, पर रोट हो चाहे आरसे हो और दोनों, मतलब हम तो गुलगुले भी मस्टर्ड ऑयल में तलते हैं, तो मतलब कहते हैं कि महक आती है बट आप खा ही रहे हैं इसमें बिल्कुल ऐसी, बल्कि मुझे लगता है कि इसका टेस्ट ही इन्हांस करता है वो कहीं ना कहीं पे। साथ में गुटके भी कई तरह के बनाते हैं, पिंडालू गुटके भी बनते हैं, पिंडालू गुटके बनते हैं और ये चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। बल्कि आप कहीं पहाड़ों में जाएंगे और स्टॉप कहीं पे जैसे टी स्टॉल पे स्टॉप करेंगे तो वहाँ पे इसको रायते के साथ, तिल की चटनी के साथ भी सर्व किया जाता है। साइड में कॉम्बिनेशन है, आप जब यात्रा चलती है या जब ट्रैफिक में जाते थे तो पहले गेट सिस्टम होता था। गेट सिस्टम का मतलब ये था कि एक ट्रैफिक इधर से चलता था, एक ट्रैफिक ऊपर से आता था, तो बीच में इन्होंने स्टॉप ओवर बना दिए थे कि वहाँ पर रुकेंगे, जब ऊपर की गाड़ी आ जाएगी तो वहाँ से क्रॉस करते थे क्योंकि सड़कें इतनी पतली थी कि क्रॉस नहीं होता था, तो वहाँ पर ये सब मिलता था। तो वहाँ क्या था कि ब्रेकफास्ट के लिए या अगर आप खाना चाहते हैं गुटका छोला हलवा चना 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 काला चना, काला चना और आलू का पराठा, एक तरह से विंटर्स के लिए तो फूड प्रिजर्व ही करते थे यहाँ पे। काला चना तो बहुत खाते हैं पहाड़, उसकी दाल बना के भी खाते हैं, उसका ये रस बनाते हैं ना। हाँ, रस भात पराठे भी बनते हैं, पराठे बनते हैं, भरवा पराठे बनते हैं, तो चना बहुत खाते हैं। इसमें क्या डाला है? इसमें मेन तो जो आप टेम्परिंग देख रहे हैं ना, ये जो कोटिंग है ये जखिया की है,
जख्या, मतलब इसको इंग्लिश में डॉग मस्टर्ड या वाइल्ड मस्टर्ड कहते हैं, बट ये मस्टर्ड फैमिली की नहीं होती है, बट क्योंकि ये दिखती वैसी है इसलिए इसका बोला जाता है। हाँ, मतलब यहाँ तो ऐसे खेतों में आई थिंक तेराई रीजन में उगती है काफी, कोई बोता नहीं है इसको। हाँ, जहाँ कुछ नहीं होता है ना, हाँ नहीं नहीं इसको कोई बोता नहीं है, ये खुद ही होती है। हाँ, इसमें बल्कि गढ़वाली में कहावत भी है कि मतलब अगर तुम लेजी हो गए, अगर तुम आलसी हो गए तो तुम्हारे खेत में जख्या उग जाएगा। तो और जो इसमें कोटिंग है वो तो जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी धनिया उस तरह की, ये भी मस्टर्ड ऑयल में ही छौके जाते हैं, बहुत लाल मिर्च, ज्यादा हल्दी बेस्ड होता है मतलब। हाँ हाँ, मतलब हल्दी के बिना कोई खाना, अगर हरी सब्जी भी बन रही है चाहे एक पिंच हल्दी डालें, हमारे यहाँ कहावत है शुभ मानते हैं कि हल्दी का, बिना हल्दी का खाने को अशुभ मानते हैं, अशुभ मानते हैं, बिना हल्दी का खाना उसके यहाँ बनता है जिसके मृत्यु हुई रहती है, 13 दिन तक उनके यहाँ हल्दी नहीं पड़ती है, तो इसके हल्दी जरूर ही डालते हैं। ये भी बहुत स्वादिष्ट बना हुआ है। ये तो मम्मी ने बनाया है आज। यहाँ के आलू में भी खुद में टेस्ट है। पहाड़ी आलू। अब हमने चाय और स्नैक्स तो खा लिया है, चलिए अब चलिए भुटवे के बनाने की तरफ चलते हैं। अब शुरू होगा मांसाहारी जायका। हाँ बिल्कुल। ये एक पहाड़ों की एक डेलिकेसी कहेंगे इसको, भुटुआ भी कहा जाता है और उस इसी को भुन्नी भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली लैम्ब के ऑफल्स होते हैं जिसमें मतलब इंटेस्टाइन, स्टमक वो सब होता है, तो इसकी प्रॉपर क्लीनिंग करके और इसको फिर या तो इसकी ड्राई प्रेपरेशन बनती है और या फिर इसकी ग्रेवी प्रेपरेशन भी खाई जाती है। तो हम कैसा बना रहे हैं, ड्राई बना रहे हैं कि ग्रेवी वाला बना रहे हैं? नहीं, हम जैसे पहाड़ में कहते हैं लटपटा, थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाएंगे, एकदम ड्राई नहीं बनाएंगे। तो इसमें बेसिकली हम पहले ये हल्दी डालेंगे जिससे किसी क्लीनिंग एंड जो किसी स्मेल होती है वो हट जाए। इसको हल्दी में थोड़ी देर छोड़ेंगे कि थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं, बस कुछ सेकेंड्स के लिए छोड़ना होता है। तो इसका ऐसा स्नैक खाते हैं या फिर मेन कोर्स में मेन मील में? ड्राई मैंने आपको बताया, वो तो स्नैक की तरह बहुत आसानी से खाया जा सकता है, एकदम ड्राई होता है वो। और बाकी जो ग्रेवी वाला है वो आप रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ। जो स्वाद सिलबट्टे में पिसके मसाले का जो आता है मटन में, वो मिक्सी में पिसे हुए का नहीं आता है। बिल्कुल सही। तो अब तो ज़्यादातर सब लोग मिक्सी में ही पीसते हैं, बट कभी अगर इस पर ट्राई करें तो ट्रेडिशनल झोल बनेगा एकदम। ये अदरक है, ये प्याज, अदरक दे देंगे थोड़ी, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च और लहसुन, में कोई कमी नहीं करनी है, लहसुन अच्छे से डलना चाहिए और मिर्ची तो अपने हिसाब से रख सकते हैं और काली मिर्च, मेरे सिलबट्टे में थोड़ा सा और इसके अलावा ये है भांग के बीज। तो ये भांग के बीज अक्सर लोग सोचते हैं कि ये वो भांग है जिससे नशा होता है, पर ये वो भांग नहीं है। ये उसी का कजन प्लांट होता है जिसके बीज होते हैं। तो ये बेसिकली बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं और पहाड़ी और ठंडी जगह के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये इस ढंग से, अरे यहाँ पे बीज डालिए, थोड़ा सा यहाँ भी डालिए, लीजिए आप भी लीजिए, इसमें थोड़ा से धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये थोड़ा सा नमक है, एक साथ इकट्ठा करके थोड़ा सा क्रश कर दो। हाँ मम्मा, मेरी अच्छी बन रही है ज्यादा, पीसो पीसो। इसमें तेल में थोड़ा सा लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज हम डाल चुके हैं और ये देखिए, ये सिलबट्टे का पिसा हुआ मसाला है, इसमें हम ये मसाला डाल देंगे। तो अब इसमें 15-20 मिनट हो गए हैं, इसको हमने हल्दी के पानी में डुबो के रखा था, अब हमने इसको निकालना है
और उसके बाद इसको जो हमने मसाला तैयार कर रहे हैं उसके साथ इसको हमें थोड़ा भूनना है। इस भटूरे को भी अब लाइट ब्राउन कलर कर देना है उसे भूनते भूनते। उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे और फिर सीटी लगाएंगे। सीटी अब एक तरह से कन्वीनियंट वे है इसको पकाने का, बट ट्रेडिशनली इसको स्लो कुक, हाँ, उसके बाद फिर रात तक पकता था ये। अच्छा? स्लो कुक होता था ये पूरा। अब क्योंकि कुकर ने हमारा काफी काम आसान कर दिया, काम आसान कर दिया है। अब इसमें हम पहले नमक डालेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा जल्दी भुन जाए। थोड़ा सा हमने मसाले के साथ भी इसीलिए पीसा था, ये धनिया पाउडर, धनिया पाउडर है। तो फुल ऑन मसाले में तैयार किया जा रहा है। अब इसको हमने 15 मिनट तक ऐसे ही भूनना है मसालों के साथ, जैसे कि मसाले भी थोड़ा पक जाएं और भुटवा भी थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाए। फिर इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे और फिर उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं। जैसे आप देखिएगा कि ये भुटवा हमारा अब आधे घंटे तक पक चुका है, तो अब ये है कि मसाला भी पक चुका है, भुटवा भी ब्राउन हो चुका है, तो अब टाइम आ गया है इसमें टमाटर डालने का। बिल्कुल इसकी सूरत बदल गई, सूरत बदल अभी और बदल जाएगी जब इसमें टमाटर पक जाएगा, तो थोड़ी सूरत और बदलेगी इसकी। और उसके बाद फिर हम जब इसमें सीटी लगाएंगे तो बिल्कुल ही अलग चीज़ निकल के आएगी। अब हम इसमें सीटी लगाएंगे, अराउंड करीबन 5 से 6 सीटी लगाएंगे। उसके बाद ये हमारा जो भुटवा है वो गल जाएगा, जब वो गल जाएगा उसके बाद फिर रेडी टू सर्व होगा। अब हम मटन झोल की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। अब इसमें ये है कि हम लोग इसे मैरिनेट करेंगे जिससे कि ये जब हम पकाएंगे तो अंदर तक इसमें सारा रस चले जाए। तो इसमें हमें पहले मटन में हल्दी डालनी है। अब पहले हल्दी हम पूरा मिक्स कर लेंगे इसका। अब हम इसमें थोड़ी दही डालेंगे जिससे कि जो इसके दही का जो लिक्विड है ये पूरा हल्दी के साथ मिक्स होकर अंदर तक चले जाए। अब हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद तब तक हम लोग अपना मसाले की तैयारी कर लेते हैं। ये हमने देखिए सिलबट्टे में मसाला तैयार कर दिया है और इसमें हमने सभी खड़े मसाले जो है वो भी साथ में ही पीसे हैं और थोड़ा हल्दी धनिया इसमें भी पीसा है, थोड़ा हम भूनते हुए भी डालेंगे, बाकी प्याज लहसुन अदरक सब कुछ इसमें पिसा हुआ है। तो हम सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी है ये मस्टर्ड ऑयल में बनना चाहिए सरसों के तेल में, और हमें अच्छे से सरसों का तेल डालना है, कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब कम के उससे। बड़ी इलायची है ये थोड़ी सी कूट के रखी है, ये जैसे ही हल्का गर्म हुआ ये जखिया है, थोड़ी सी जखिया और थोड़ी सी ये फरन, एक हर्ब पहाड़ों में ही होती है, इसकी एक बड़ी यूनिक खुशबू होती है, और ये तेज पत्ता, फरन को जम्बू भी कहा जाता है, कुमाऊं में जम्बू बोलते हैं। ये हमारा मसाला, ये हमारा मसाला है, थोड़ा ये भुन जाए तो इसके बाद इसमें मसाला डालेंगे। ये हो गया है, ये तड़कने की आवाज़ आने लग जाती है इसमें। अब तो उत्तराखंड के नॉन वेजिटेरियन फूड में और क्या क्या डिशेज हैं? और इसके अलावा एक जो गोट ब्लड होता है उसको भी पकाकर और सुखाया जाता है, वो भी यहाँ की एक डेलिकेसी मानी जाती है। उसके अलावा कचमोली बनती है, उसमें वो पूरे लैम्प को आग में भड़ा के, और मतलब वो कम्युनिटी कुकिंग होती है, वो ऐसा नहीं है कि एक फैमिली चाहे तो वो बना के खा ले, वो पूरी कम्युनिटी में जैसे शादी है या कोई स्पेशल ओकेजन है या फेस्टिवल है उस तरीके से सब लोग जो है उसे भड़ाते हैं और उसके पीसेस करके उसे ड्राई फॉर्म में खाया जाता है। कचमोली का अपने आप में मतलब कच्चा पक्का वाला होता है। अच्छा। तो वो उस ढंग से भड़ा के खाई जाती है इसलिए उसे कचमोली बोलते हैं। नॉन वेजिटेरियन कुकिंग है वो ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हों। मेजरली चिकन भी पहले बहुत ज़्यादा नहीं बनाया जाता था, पर अब चिकन भी काफ़ी मतलब तरीक़ों से बनाया जाता है, पर मेजर जो था वो गोट ही बनाई जाती थी।
देख लीजिएगा मसाला, देखिएगा तेल छोड़ रहा है, हल्का तेल छोड़ रहा है, और आप देखिएगा पूरे कुकर से भी छोड़ रहा है मसाला पूरा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अब हमें मटन डालने का टाइम आ गया, मसाला हमारा पूरा पक चुका है। थोड़ी देर हम लोग टमाटर को पकाएंगे, उसके बाद थोड़ा देर से पानी डालेंगे इसे रस हो जाए, और उसके बाद थोड़ा धनिया मार के फिर ढक्कन लगा देंगे। और धनिया जितना ज़्यादा डालेंगे उतना फ्लेवर आएगा। झोल की यही बात है, चाहे आप आलू का बनाएं चाहे मटन का बनाएं, उसमें खूब सारा धनिया पड़ा होना चाहिए आखिर में। तो हमारा मटन झोल मटन हाँ। और भटुआ बन गया है, वो बना रहे हैं झंगोरे की खीर। ये है झंगोरे की खीर, ये है झंगोरा, और इसे अगर इंग्लिश में बोले तो इसे बानयार्ड मिलेट कहा जाता है। एक तरह का मिलेट है जो उत्तराखंड में काफ़ी हद तक खाया जाता है, मतलब इसकी खीर खाई जाती है, इसकी क्या कहते हैं, एक मट्ठे के साथ प्रिपरेशन बनती है, जिसे या तो आप मीठा खा सकते हैं या नमकीन खा सकते हैं। पलियो, और पलियो बोलते हैं, पलियो एक तरह से तो खाली जो मट्ठे को हाँ वो एक अलग है, इसको कहीं पर खिचड़ी कहते हैं, अलग अलग नाम से बोला जाता है इसको। तो वो मट्ठे के साथ पक के कई लोग उसमें चीनी डाल के खाते हैं और कई लोग इसमें हरा नमक डाल के खाते हैं, और इसको ऐसे ही जैसे हम भात बनाते हैं उसी ढंग से भी खाया जाते हैं, जैसे कई लोग मिलेट प्रेफर करते हैं तो वो लोग इसको कुक करके किसी भी ग्रेवी के साथ खा सकते हैं। इसमें ये हमने डाल दिया, ये धुला हुआ है, और इसको धोने का प्रोसेस ये है, कम से कम इसको 3-4 बार अच्छे से पानी से रिंस करना पड़ता है हाथ से रगड़ के, वरना इसमें एक हल्का सा कसैलापन होता है जो फिर खीर में आएगा। चलिए अब ठंड हो रही है, पहाड़ी टोपी पहन लीजिए। अब देखिए हमारा ये झंगोरा थोड़ा दूध में पक गया है, अब जब ये थोड़ा सा पक जाए तो अब इसमें मीठा पड़ेगा, चीनी पड़ेगी, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं जितना मीठा चाहिए, और फिर एंड में जब ये पूरी पक जाए खीर तो इसके बाद इसमें आप चाहे थोड़ा गोला डाल दें, किशमिश डाल दें, वो अपनी इच्छा पर है, या कुछ भी ना डालें। चलिए शुरू किया जाए। बिल्कुल आप पहले ले। खाना जो है हाथ से खाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, जिसमें गोट के लीवर इंटेस्टाइन स्टमक सब कुछ हाँ, है, सारे ऑफल्स रहते हैं इसमें, और खूब मसाले के साथ बनाया है हाँ, मसालेदार चटपटा एकदम, एक उसका ना एक डिस्टिंक्ट स्मेल होता है जो भी ऑर्गन्स है उसका, लेकिन आपने जो हल्दी से उसे धोया है उससे वो सारी स्मेल निकल गई बहुत बढ़िया मसाले में पका हुआ है। वही एक्चुअली 15 मिनट से हल्दी में इसलिए डुबा के रखना पड़ता है, जितनी भी उसकी स्मेल है ना वो हल्दी सोख लेता है, तो उसका वो पानी फेंक दिया और बाकी भटुआ उसमें डाल दिया। वही ऑफल्स जिसको आप बोलते हैं, ये भी एक तरह एक्वायर्ड टेस्ट है। हाँ, एक्वायर्ड टेस्ट है ये, है ना, सभी लोग उतना अप्रिशिएट कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं करते, जो खाते हैं बहुत शौक से खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। काफी अच्छा बना है, मसाला हालांकि काफी तेज है, तेजी मजा आता है खाने में। अब स्वाद आ रहा है, अच्छे से मटन पक चुका है। इस नली पीस के लिए सबकी लड़ाई होती है आपस में, किसको चाहिए नली पीस को तोड़ के इसके अंदर जो बोन मैरो होता है वो भी सक करते हैं। इसमें ना सबसे ज्यादा मोटी इलायची का एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर है जो आपने शुरू में ही डाला था, शुरू में छौंक में डाला था। और ये देख रहे हैं आप जख्या का भी, आपको इसमें हल्का सा क्रंच फील होता है। तो बेसिकली जो मसाला है इसमें वो इस डिश को पहाड़ी मटन बनाता है। पहाड़ी मटन इसमें जख्या फरहन रिच मसाला रिच होता है ये मटन एकदम, और खूब सारी मिर्ची भी होनी चाहिए इसमें तभी मजा है। बिल्कुल। और जो
आप पहाड़ों में जो घी डालते हैं ना उसका स्वाद ही कुछ और होता है। और पता है उटोए का ये है कि जिसको पहली बार पसंद आ गया उसे तो हमेशा पसंद आएगा, और जिसे पसंद नहीं आया वो भी कभी हाथ नहीं लगाना चाहेगा। ये मतलब जैसे मटन का तो ये है कि मटन तो एक बार और खाएंगे तो टेस्ट डेवलप होता है, बट इसका टेस्ट पहली बार का है, जो आपको पहली बार टेस्ट डेवलप हो गया, अगर अच्छा लगा तो अच्छा लगा, बुरा लगा तो बुरा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम इसको खाया था, मतलब भुना हुआ, भुना सूखा हुआ खाया था आपने, और ये तरी वाला था, लटपट थोड़ा बनाया हुआ था, दोनों का ही बिल्कुल अलग टेस्ट लगा। चलिए खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, अब मीठे में झंगोरे की खीर खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये है झंगोरे की खीर, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी, और हमने इसमें थोड़े से नट्स भी डाल दिए। सही मीठा, जबरदस्त। अब तो उसी बात हल्का सा नीचे जो एक खुशबू होती है, हाँ वो भी आ रही है लकड़ी पे पकाया, लकड़ी पे पकने की, बिल्कुल। मतलब कभी कभी घर पे ऐसे खीर बनाते हैं हाँ। तो इंटेंशनली हल्का सा लगा देते हैं, लगा देते हैं ताकि वो स्वाद आ जाए, सौंदर्यपन के लिए हाँ। जिसमें नारियल भी है, बादाम भी है हाँ, नारियल बादाम और थोड़ा किशमिश पड़ा है। कैसी लगी आपको झंगोरे की खीर? अल्टीमेट, बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। मीठा बहुत सही है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि खीर और फिरनी के बीच का टेक्सचर है, टेक्सचर एकदम। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा रहा, सभी डिशेज बहुत ही लजीज थे, सबसे आपने इतनी अच्छी हमें कहानियाँ सुनाई उत्तराखंड के खाने के बारे में, और भी कई डिशेज हैं जो उत्तराखंड की नॉन वेजिटेरियन की हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम। आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा, पहली मुलाकात थी, थैंक यू, लग नहीं रहा था कि किसी अजनबी से मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल सही है।